स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का तो पिछले कल हमने बात की थी प्रेसिडेंट रूल की यानी कि स्टेट एमरजेंसी की और उससे भी पहले हमने बात की थी नेशनल एमरजेंसी की यानी कि आर्टिकल 352 की आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जो है फाइनेंशियल एमरजेंसी फाइनेंशियल एमरजेंसी का जो प्रोविज़न है वो हमें आर्टिकल थ्री में देखने को मिलता है भारत के संविधान आर्टिकल थ्री में तो आज हम जान लेते हैं कि आर्टिकल 360 क्या कहता है सो so, आर्टिकल 360 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम द अ प्रेजिडेंट टू इन वॉक फाइनेंशियल एमरजेंसी तो आर्टिकल 360 शक्ति प्रदान करता है राष्ट्रपति को कि वो फाइनेंशियल एमरजेंसी लगा सकते हैं पूरे देश में वित्तीय आपातकाल अब हम बात करते हैं ग्राउंड्स ऑफ डेक्लरेशन यानी कि ऐसी कौन सी सिचुएशन होनी चाहिए जिसमें राष्ट्रपति फाइनेंशियल एमरजेंसी लगा सकते हैं पूरे देश में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इट्स जब राष्ट्रपति को यह लगता है कि ऐसी सिचुएशन बन चुकी है जिसमें की आर्थिक व्यवस्था खराब हो चुकी है भारत की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो खराब हो रही है क्रेडिट ऑफ इंडिया खतरे में है तो उस समय राष्ट्रपति क्या करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी पूरे देश में लगा देते हैं आगे हम और भी डिटेल में जानेंगे अब हम बात करते हैं थर्टी एट्थ अमेडमेंट एक्ट ऑफ 1975 जो कि कॉमन है नेशनल एमरजेंसी में भी स्टेट एमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल में भी और फाइनेंशियल एमरजेंसी में भी तो क्या कहता है थर्टी एट्थ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 द सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इन डिक्लेयरिंग ए फाइनेंशियल एमरजेंसी इज फाइनल एंड कंक्लूसिव एंड नॉट क्वेश्चनेबल इन एनी कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड इसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति को अगर ये लगता है कि देश में फाइनेंशियल एमरजेंसी लगानी चाहिए तो वो डिसीजन फाइनल होगा और कंक्लूसिव होगा उसको हम क्वेश्चन नहीं कर सकते उसके ऊपर हम सवाल पैदा नहीं कर सकते और उसको कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है ये कहता है थर्टी अमेंडमेंट एक्ट ऑफ नाइनटीन मतलब कि पावर दी गई है प्रेजिडेंट को बट फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट आया ऑफ नाइनटीन एट इसने इस प्रोविज़न को ख़त्म कर दिया डिलीटेड द प्रोविज़न एडेड बाय द थर्टी एट्थ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ नाइनटीन सेवेंटी फाइव विच इम्प्लाइज दैट द सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेजिडेंट इज़ नॉट बियॉन्ड द जुडिशियल रिव्यू यानि कि अगर प्रेजिडेंट को लगता है कि फाइनेंशियल एमरजेंसी लगानी चाहिए पूरे देश भर में भी तो ये जो डिसीजन होगा ये फाइनल नहीं होगा इस डिसीजन को चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में और उसके ऊपर फिर जुडिशियल रिव्यू होगा यानी कि जुडिशरी देखेगी कि ये जो डिसीजन लिया गया है ये सही है या गलत है अब हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल एमरजेंसी को लगाने के लिए कौन कौन से पार्लियामेंट्री अप्रूवल होते हैं और ड्यूरेशन के भी हम बात करेंगे सो ए प्रोक्लेमेशन डिक्लेयरिंग ए फाइनेंशियल एमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट यानी कि अगर हमें देश में फाइनेंशियल एमरजेंसी लगानी है तो उसको दोनों हाउसेस के द्वारा पास किया जाना चाहिए लोकसभा और राज्यसभा विद इन टू मंथ्स दो महीने के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू यानी कि जिस समय फाइनेंशियल एमरजेंसी लगाई गई है बट जब फाइनेंशियल एमरजेंसी लगाई जाती है हो सकता है उसमें लोकसभा ना हो लोकसभा को डिजोल्व कर दिया गया हो लोकसभा जो हो उसको डिजोल्यूट किया गया हो विघटन हो गया हो तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए तो ऐसी स्थिति में जो फाइनेंशियल एमरजेंसी होती है वो सिर्फ तीस दिन के लिए सर्वाइव करती है जब फर्स्ट सिटिंग बैठती है लोकसभा की उसी बीच में राज्यसभा के पास भी पावर होती है कि वो इस फाइनेंशियल एमरजेंसी को अप्रूव कर सकता है आफ्टर अप्रूवल ऑफ द बोथ द हाउसेज ऑफ़ पार्लियामेंट द फाइनेंशियल एमरजेंसी कंटिन्यूज इनडेफिनेटली टिल इट इज़ री यानी कि जैसे ही इसको दोनों हाउसेस से पास किया जाता है फाइनेंशियल एमरजेंसी को तो इसे इनडेफिनेट पीरियड के लिए यानि कि कोई सीमा नहीं है समय की दो साल के लिए तीन साल के लिए दस साल के लिए कभी भी इसको लगाया जा सकता है जब तक इसको खुद रोका नहीं जाता सो दियर इज़ नो मैक्सिमम पीरियड प्रेसक्राइब्ड फॉर ईट्स ऑपरेशन जैसा कि हमने नेशनल एमरजेंसी में देखा था उसमें टाइम पीरियड था फिर हमने स्टेट एमरजेंसी में दिया था उसमें एक साल का टाइम पीरियड था और बीच बीच में अप्रूव भी करना पड़ता था छः छः महीने में लेकिन इसमें छः महीने में अप्रूव नहीं करना पड़ता है सिर्फ एक ही बार आपको अप्रूव करना होता है रिपीटेड पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर ईट्स कॉन्स्टिट्यूशन ये वही बात है जो मैंने आपको अभी बताई ए रेजोल्यूशन अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल एमरजेंसी कैन बी पास बाई हाउस ऑफ पार्लियामेंट ओनली बाई ए सिंपल मेजोरिटी और फाइनेंशियल एमरजेंसी को पास करने के लिए चाहे वो राज्यसभा के द्वारा पास किया जाए चाहे वो लोकसभा के द्वारा पास किया जाए हमें सिर्फ इसमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है अब हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी को किस तरह से वापिस लिया जा सकता है कैसे उसे रोका जा सकता है सो ए प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी में वी रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम बाय ए सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी होती है तो राष्ट्रपति घोषणा करते हैं उसी तरह से अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी को वापस लेना है उसे रोकना है तब भी प्रेजिडेंट ही राष्ट्रपति ही एक और घोषणा पत्र निकालते हैं और वो कहते हैं कि अब फाइनेंशियल एमरजेंसी देश में लगाने की ज़रूरत नहीं है इसलिए फाइनेंशियल एमरजेंसी को अब वापिस लिया जाता है सर्च ए प्रोक्लेमेशन डज़ नॉट रिक्वायर्ड द अप्रूवल ऑफ़ पार्लियामेंट और इस तरह के प्रोग्लामेशन के लिए घोषणा के लिए किसी भी तरह की पार्लियामेंट की अप्रूवमेंट या अप्रूवल हमें नहीं लेना पड़ता तो अब हम बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसीज के क्या परिणाम होते हैं तो सबसे पहले द यूनियन गवर्नमेंट शैल गिव डायरेक्शन टू एनी स्टेट टू ऑब्सर्व सर्च कैन ऑफ फाइनेंशियल प्रोपर्टी एज मे बी स्पेसिफाइड इन द डायरेक्शन तो साफ साफ हमें पता चलता है कि यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर आ जाती है और वो स्टेट को यानी कि राज्य सरकार को डायरेक्शन दे सकता है किसी भी फाइनेंशियल मैटर में और ये डायरेक्शंस क्या क्या हो सकती हैं इसके बारे में जान लीजिए द प्रेजिडेंट ऑर्डर द स्टेट्स टू रिड्यूस द सैलरीज एंड अलाउेंसेज ऑफ ऑल और एनी क्लास ऑफ एम्प्लॉयज सर्विंग इन कनेक्शन विद द स्टेट ऑफ अफेयर्स यानी कि राष्ट्रपति ये कह सकते हैं जिस भी स्टेट में ये हो रहा है राष्ट्रपति ये कह सकते हैं कि उस स्टेट के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं किसी भी क्लास के हैं उनकी सैलरीज को कम किया जाए फिर स्टेट में मनी बिल्स भी होते हैं तो मनी बिल्स जब पास किए जाते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में राज्य में जब पास किए जाते हैं तो उन मनी बिल्स को उन फाइनेंशियल बिल्स को रिजर्व कर दिया जाता है प्रेसिडेंट की कंसीडरेशन के लिए फिर प्रेसिडेंट देखते हैं कि उस मनी बिल का क्या करना है और उस फाइनेंशियल बिल का क्या करना है आफ्टर दे आर पास्ड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट जैसे ही स्टेट से पास होता है तो उसके बाद प्रेजिडेंट के पास वो चला जाता है और उसको रिजर्व रखा जाता है प्रेजिडेंट के पास ऑलसो द प्रेजेंट कैन इशू डायरेक्शन फॉर द रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड अलाउेंसेज ऑफ ऑल और एनी क्लास ऑफ पर्सन सर्विंग इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन इंक्लूडिंग द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट सेम चीज़ है जैसे हमने स्टेट में पढ़ा था कि स्टेट के जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी सैलरी कम कर दी जाए उसी तरह से राष्ट्रपति ये ऑर्डर देते हैं कि सैलरीज और अलाउेंसेज कम कर दी जाएँ किसी भी क्लास के पर्सन को किसी भी एम्प्लॉय को चाहे वो जज हो सुप्रीम कोर्ट का चाहे वो हाई कोर्ट का जज हो उनकी सैलरी कम की जाए अब फाइनेंशियल एमरजेंसी का क्रिटिसिज्म भी होता है तो अब हम जान लेते हैं कि ऐसा क्या है फाइनेंशियल एमरजेंसी में जिससे कि इसका क्रिटिसिज्म होता है सबसे पहले इसमें जो यूनियन गवर्नमेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से पावरफुल हो जाती है उसका पूरा कंट्रोल हो जाता है राज्यों के ऊपर इन रेस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल मैटर्स जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं वो अब यूनियन के हाथ में चले जाते हैं फाइनेंशियल एमरजेंसी के केस में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल एमरजेंसी दिस काज इज ए थ्रेट टू द स्टेट्स फाइनेंशियल सॉवर्निटी तो इससे क्या होता है कि जो राज्य की क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर है स्टेट्स के पास भी पावर्स हैं सेंटर के पास भी पावर्स हैं तो स्टेट की जो खुद की एक फाइनेंशियल सॉवर्निटी होती है वो खतरे में पड़ जाती है क्योंकि सेंटर का पूरा कंट्रोल उसमें आ जाता है अब हम बात करते हैं कि एच एन कुंजरू ने क्या कहा था फाइनेंशियल एमरजेंसी के बारे में उन्होंने कहा था फाइनेंशियल एमरजेंसी प्रोविजन्स पॉज ए सीरियस थ्रेट टू द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट्स कि फाइनेंशियल एमरजेंसी जो है वो एक सीरियस खतरा है स्टेट्स की ऑटोनॉमी के लिए राज्यों की ऑटोनॉमी के लिए अब हम इसके सिग्निफिकेंस की भी बात करते हैं सिचुएशंस लाइक इकोनॉमिक रिसेशन किसी भी देश में कभी भी इकोनॉमिक रिसेशन आ सकता है जो आर्थिक व्यवस्था होती है वो खराब हो सकती है और एनी अदर फाइनेंशियल क्राइसिस कैन बी इजीली एवर्टेड बाय फाइनेंशियल एमरजेंसी प्रोविजंस तो अगर हम फाइनेंशियल एमरजेंसी लगाते हैं फाइनेंशियल एमरजेंसी के प्रोविजंस की पालना करते हैं तो इकोनॉमिक रिसेशन जैसी चीज़ों से बचा जा सकता है देश को एक बड़े संकट से बचाया जा सकता है तो ये थी ओवरऑल कहानी फाइनेंशियल एमरजेंसी की लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक हमारे देश में अभी तक फाइनेंशियल एमरजेंसी नहीं लगी है हमारे देश में प्रेसिडेंट रूल लग चुका है कई बार लग चुका है हमारे देश में नेशनल एमरजेंसी भी लग चुकी है तीन बार लेकिन फाइनेंशियल एमरजेंसी जो है वो अभी तक हमारे देश में नहीं लगी है तो ये एक अच्छी बात है तो थैंक यू वेरी मच अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें शॉर्ट वीडियो के लिए फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच